के मोदी बोले कोरोना के संकट के अंधकार को देनी है चुनौती। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी लाइटें बंद करें, मोमबत्ती दिया जलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ना करें उल्लंघन। मुख्यमंत्री योगी ने जरूरतमंदों के लिए खोला खजाना, एक क्लिक में 871 करोड़ रुपए की एक ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों का जाना हालचाल। जवाती मरीजों की गाजियाबाद के अस्पताल में शर्मनाक हरकत, नर्स पर किया अभद्र टिप्पणी, बिना कपड़ों के घूमने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR। कानपुर में पकड़े गए 8 विदेशी जमाती, सभी पर FIR दर्ज, ईरान अफगानिस्तान से आए थे भारत। आज के दिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विकास के उन बुलंदियों को छुएगा जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अंदर एक मानक के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के बारे में जो आह्वान किया है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और देश प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूँ वरिष्ठ गौरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में 21 दिन के लिए उत्तर प्रदेश और देश एक साथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेंशन की राशि कम हो सकती है पर यह बल देने वाली है। राशि पाने के बाद लोगों के चेहरे पर जो खुशी आज देखने को मिली है यह सरकार की लोक कल्याणकारी कामों का ही नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्रशासनिक टीम को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इसी टीम की मेहनत का नतीजा है कि गरीबों के लिए योजना का काम समय पर पूरा हो रहा है, साथ ही राशन पहुंचाने का भी काम सफल है और शासन स्तर पर यह भी हो रहा है। इसके अलावा दिव्यांग जन पेंशन की राशि को 200 से बढ़ाकर 500 किया गया है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त किया है। योगी ने कहा है कि आज हमारे पास 7 टेस्टिंग लैब हैं, कोशिश तो ये भी है कि कुछ महीने में प्रत्येक 24 मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, तो वही बैठक में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, राज्य के निर्माण निगम के सभी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन देने को राजी हुए, जिसमें लगभग 5 करोड़ की धनराशि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री केयर फंड में दी जाएगी। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी आदेश दिया है कि ज्यादातर जिलों में कम्युनिटी किचन सेंटर खोला जाए ताकि कोई गरीब मजदूर जरूरतमंद भूखा ना रह सके, और साथ ही विभाग का लॉकडाउन के बाद युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जगह जगह जमात में शामिल लोग छुपे हुए हैं और जमातियों का पता लगाने और सत्यापन के लिए पुलिस और LIU लगातार छानबीन कर रही है, तो वहीं पुलिस धर्मगुरु की लगातार अपील के बाद भी ऐसे लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे के पास रहमानी मस्जिद में छिपे 13 कोरोना संदिग्धों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम लेने के लिए पहुंची और इस प्रकार के गंभीर होती स्थिति को लेकर दारुल उलूम फिरंगी महल ने फतवा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की जद में लोगों को टेस्ट कराना चाहिए और इस्लाम में एक इंसान की जान बचाना कई इंसानों की जान बचाने जैसा है, इसको छिपाना कतई जायज नहीं है। अगर लोग महामारी में अपना इलाज और टेस्ट नहीं कराते हैं तो लोग तो ये बिल्कुल भी ये तमाम चीजें समाज के खिलाफ हैं। जो लोग भी इस बीमारी के जद में हैं उनको चाहिए कि अपना चेकअप कराएं, अपना इलाज कराएं, अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो ये इस्लाम के नुक्ते नज़र से बिल्कुल ही गैर शरई है, लिहाजा सब लोग जो लोग भी इसकी जद में हैं उनके लिए अपना टेस्ट कराना बुनियादी तौर पर मजहबी फरीजा इस फतवे में करार दिया गया है। दिल्ली में वर्कर्स की घटना के बाद कानपुर पुलिस भी अब अलर्ट पर है और पुलिस ने कानपुर बाबूपुर व थाना क्षेत्र में पकड़े गए 8 विदेशी जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये जमाती ईरान अफगानिस्तान से आए हुए थे। गौरतलब है कि निजामुद्दीन में जमातियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद देश भर में जमातियों की पड़ताल लगातार जारी है।
इनको इनके ऊपर जो है पहले इनको ले जाकर इनको क्वारंटाइन वगैरह कराया गया, इनका मेडिकल चेकअप वगैरह कराया गया, सेकंड मेडिकल चेकअप इनका अभी चल रहा है, क्वारंटाइन है ये लोग। इसके ऊपर पुलिस द्वारा इनके ऊपर, क्योंकि इस समय सबको पता है कि बहुत ज़्यादा आपदा की स्थिति है और हर तरह का एनडीएमए एक्ट वगैरह भी लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर एफआईआर थाना बाबूपुरा पुलिस में सुसंगत धाराओं में कराई गई है, आगे की वैधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो वही कानपुर में जमातियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक जमात के 22 लोग सामने आ चुके हैं जो शहर में रुके हुए थे, जिनमें दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से कानपुर आए लोगों में 8 विदेशी भी शामिल हैं। इन सभी को आइसोलेट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों ने इन्हें ओसला और हेल्थ अस्पताल में आइसोलेट किया है, जिनकी लगातार निगरानी की जा रही है। विदेश से आए जमात के लोग बाबूपुरवा की एक मस्जिद और गोलाघाट में रुके हुए थे। इन 8 लोगों में 5 अफगानिस्तान, 2 ईरान और 1 यूके का रहने वाला है। वहीं नौबस्ता की एक मस्जिद में 12 जमात के लोग पाए गए और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। मामले को लेकर प्रशासन सर्च अभियान लगातार चला रहा है और साथ ही कोरोना के लक्षण होने और छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बाबूपुरवा क्षेत्र से लेकर के उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया गया है 14 डेज के लिए। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको रखवा करके और उनकी जांच और व्यवस्था, समाज का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग भी कुछ सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी कि कहीं सहयोग नहीं मिला, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो है पूरा कोऑपरेट किया है और जो लोग इस तरह के हैं सब लोग इसमें सचेत बेहतर ढंग से हो रहे हैं। मरकज में शामिल हुए 22 जमाती मिलने के बाद कानपुर नगर में कोरोना वायरस का बड़ा खतरा। अलग अलग देशों से आए जमातियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही इलाज भी क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल इंतजार है सभी मेडिकल रिपोर्ट आने का। स्वराज संवाददाता दीपक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लॉकडाउन के दौरान अनाउंसमेंट कर रहे अफसरों पर लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसडीएम, तहसीलदार, प्रभारी समेत अन्य अधिकारी लॉकडाउन का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट करा रहे थे और लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे थे और इसी दौरान उन पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। नायब तहसीलदार की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है, विवेचना की जा रही है। अभी पुलिस की टीम नामजद लोगों की गिरफ्तारी की दबिश में भी गई थी, ये घरों से फरार हैं, लेकिन अतिशीघ्र इनके विरुद्ध पूरी वैधानिक कार्यवाही। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बचाव के लिए पूरे देश में किस दिन का लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में जरूरत के सामानों की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयारी पर जुटा हुआ और काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी खुद दुकानों में चेकिंग करके जमीनी हकीकत को जांच रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक मामला बाराबंकी से भी सामने आया, जहां लगातार शिकायतें आ रही थी कि रोजमर्रा के सामानों को तय कीमत से भी ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है और इसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान मौके पर पहुंचा और दुकानदार ने उसे भी सामान तय रेट से ज्यादा में दे दिया और जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई। लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। नहीं करेंगे भैया, अब हम नहीं। अरे अभी तो आप सामने कर रहे हैं ना। अरे सामने क्या बताएं, गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। गुटखा पान मसाला पे रोक लगाने के बाद भी आप बेच रहे हो, अभी ब्लैक में, क्या वजह है सर? सप्लाई इंस्पेक्टर को फोन मिलाइए। उन्होंने दाल मुझे 110 रुपए किलो बताया और जब मैंने कहा कि भैया डीएम साहब के आदेश हैं 85 रुपए किलो के लिए, 85 रुपए किलो बेचने के लिए, इससे ज़्यादा रेट नहीं ले सकते हैं, तो और दरोगा जी ने बार बार अलाउंस भी कराया है, लाउड स्पीकर से 3-4 दिन अलाउंस कराया, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ज़्यादा जिहालत ना करो, 110 रुपये में लेना हो तो लो, नहीं तो जाइए। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कोरोना पर चिंता जाहिर की है और अभी से और सभी से अपील करते हुए कहा है कि लोग एहतियात से काम लें, इस्लामिक गैदरिंग से परहेज करें। अगर ये रोग फैल गया तो 130 करोड़ की आबादी में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो नतीजा बेहद बुरा होगा। साथ ही त्योहार ना मनाने और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है।
خدا خاصہ اگر پھیل گیا تو 130 کروڑ کی آبادی پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. جب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو اتنی ترقی یافتہ ملک ہے جب وہاں کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو خدا خاصہ اگر یہاں پھیل گیا تو پھر بہت برا اس کا نتیجہ ہو جائے گا, اس کی ذمہ داری ہم پر آ جائے گی. لہٰذا ہماری گزارش یہی ہے, ہر دھرم کے لوگوں سے گزارش یہی ہے, مولویوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس بات کی تبدیل کرے, پنڈت ہیں جو اور دھرموں کے لوگ جو دھرم گرو ہیں وہ سب روکے کہ بھائی کچھ دن صبر کر لو, کچھ دن احتیاط کر لو. کورونا سے نپٹنے کے لیے پردھان منتری نریندر مودی کی اپیل کر رہے ہیں, لیکن بدایوں میں سواستھیہ وبھاگ کے اعلی ادھیکاریوں کی ایسی لاپرواہی سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. کورونا سے پیڑت لوگوں کی جانچ کے لیے بدایوں میں ڈاکٹروں کے لیے پی پی ای کٹ, ماسک, سینیٹائزر, نام ان تمام چیزوں کے نام پر گھٹیا کٹ اور ماسک خریدے گئے. ان کٹ میں پی پی ای کٹ اور ماسک کو ڈاکٹروں نے گھٹیا بتاتے ہوئے واپس کر دیا اور اس پورے معاملے میں ضلع ادھیکاری نے سپلائی کرنے والی کمپنی کو نوٹس جاری کر دیا ہے. کٹ کے ساتھ ماسک واپس لینے کو کہا ہے. اس پورے معاملے میں ایک بڑا گڑبڑ جھالا اب نظر آ رہا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران ہاتھوں میں فلیگ مارچ کرنے نکلی پولیس کی ٹیم پر استھانی لوگوں نے پشپ ورشا کی ہے اور سمانت کیا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے پولیس کرمیوں کا منوبل بڑھانے کے لیے لوگوں نے بھارت ماتا کے جے کارے لگاتے ہوئے پوری پولیس ٹیم کے اوپر پھول برسائے. بتا دیں کہ لاک ڈاؤن کے پالن کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے ساتھ آباد پولیس نے قصبے میں فلیگ مارچ نکالا. اس دوران استھانی لوگوں نے سڑکوں پر قطار بنا کر پولیس ٹیم کا جوشیلا سواگت کیا. آج جب فلیگ مارچ نکل رہا تھا تو یہاں کے جو ناگرک ہیں ان کے اندر یہ بات آئی کہ کم سے کم جو لوگ ہماری لگے ہوئے ہیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے سمان کے لیے ان کے اوپر پشپ ورشا کریں. تو جب فلیگ مارچ نکل رہا تھا تو لوگوں نے سمان کے لیے پشپ ورشا کی, ان کا سواگت کیا, ان کا سمان کیا ہے اور تالیاں بجا کر ان کا اتساہ وردھن کیا. جونپور میں دو اور یوکوں کی رپورٹ کورونا پازیٹو آنے سے ضلع پرشاسن میں ہڑکم پہنچ گیا اور دونوں مریضوں کو ضلع اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں بھرتی کیا گیا ہے. ڈی ایم دنیش کمار سنگھ نے بتایا کہ 31 مارچ کو 16 لوگوں کو سرائے خواجہ تھانے کی پولیس نے ایک مکان سے حراست میں لیا تھا جس میں 14 بنگلہ دیشی, ایک پشچم بنگال اور ایک گائیڈ راچی کا شامل ہے. سبھی کی جانچ رپورٹ سامنے آنے کے بعد جس میں سے ایک بنگلہ دیشی اور راچی کے رہنے والے گائیڈ یاسین کی رپورٹ کورونا پازیٹو آئی ہے. یہ سبھی لوگ دلی کی جماعت میں شامل ہو کر ٹرین سے 14 مارچ کو جونپور آئے ہوئے تھے. تو وہی ڈی ایم نے یہ بھی بتایا کہ 23 مارچ کو ضلع میں دبئی سے لوٹے یوک کی رپورٹ پازیٹو آئی تھی جس کا ضلع اسپتال میں علاج چل رہا تھا اور آج اس کی دوبارہ جانچ کرانے پر رپورٹ نگیٹو آئی ہے. پکڑے تھے ان کو سیاہ کالج میں رکھا تھا اور ان لوگوں کو سیاہ کالج نے جو رکھا اس کے سیمپل لیے تھے, سیمپل بھیج دیے تھے جس میں دو لوگوں کے آج پازیٹیو سیمپل آئے ہیں, ایک بنگلہ دیش کا ہے اور ایک یہ جو بنگلہ دیشی تھی ان کا ایک گائیڈ ہے. کورونا وائرس کے پرسار کو روکنے کے لیے دیش کے پردھان منتری مودی ہر سمبھو قدم اٹھا رہے ہیں. دیش میں بیتے 25 مارچ سے 14 اپریل تک لاک ڈاؤن بھی لگا ہے اور اس دوران پی ایم مودی نے سبھی پردیش کے مکھیہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی. اس دوران وہ کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں اور COVID-19 مہاماری کے پرسار کو روکنے کے اپایوں پر چرچا کی. پردھان منتری مودی کے ساتھ ہی میٹنگ میں شامل ہونے والوں میں پشچم بنگال کے مکھیہ منتری ممتا بینرجی, پنجاب کے مکھیہ منتری امریندر سنگھ, مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے, اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ بھی شامل ہوئے. تو وہی کورونا کے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے کیے گئے انتظاماتوں پر چرچا کے ساتھ ہی پی ایم مودی کے ذریعے دیے گئے تمام دشا نردیشوں کو سنا گیا. لکھنؤ میں لاک ڈاؤن کے چلتے ڈی ایم ابھیشیک پرکاش نے
राशन वितरण का जायजा लिया और राशन डीलरों को सैनिटाइजर देकर राशन लेने वाले लोगों को हाथ धुलवाने के बाद मशीन पर अंगूठा लगाने की बात कही। और वहीं ये भी कहा है कि जो लोग राशन लेने के लिए आ रहे हैं उन लोगों में कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस की महामारी को झेल रहा है पूरा देश और पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ है, जिसके चलते दिहाड़ी मजदूर गरीब भी रेखा के लोगों के सामने खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार गरीब मजदूर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। वो बता, अब बाकी फ्री वाला जो है वो एक कार्ड आता है वो लेके आए तो उसमें मिलेगा। अभी तक किसी को सुबह से दिया है ना? कोई आई नहीं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सैनिटाइज करने के लिए हजरतगंज चौराहे से सैनिटाइज गाड़ियों को रवाना किया गया। जेसीपी नबी अरोड़ा और नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर फायर टेंडर को दिखाकर रवाना किया। दमकल कर्मियों को मास्क ग्लव्स देकर राजधानी को कोरोना वायरस की मार से बचाने के लिए गाड़ियों को रवाना किया गया। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में आजमगढ़ जिले के लोगों के शामिल होने की जानकारी के बाद ही प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आजमगढ़ जिले के दो थाना क्षेत्रों में 8 लोग पाए गए हैं जिन्हें अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है, जबकि परिजनों को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने एक व्यक्ति के खिलाफ जानकारी नहीं देने पर थाने में मुकदमा दर्ज भी किया। हमारे जनपद में भी कल से जो अलर्ट जारी हुआ है और एलआईओ पुलिस राजस्व विभाग सभी को सक्रिय किया गया, प्रधानों को भी व्हाट्सएप किए गए और ये भी चेतावनी दी गई अगर कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराएगा तो तैयार होगी अगर कोई मरकज से लौट के आए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की ओर हम रुख करेंगे। कोरोना वायरस के वजह से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ भी दहशत का माहौल है। शाहगंज की अब्दुल्ला मस्जिद और उसके मुसाफिर खाने में 37 मुसाफिर रुके हुए हैं। बता दें कि इनमें से 9 लोग ऐसे थे जो दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में शामिल हुए थे और 7 लोग इंडोनेशिया के रहने वाले, बाकी लोग केरल के बताए जाते हैं। जानकारी प्राप्त होते ही लोगों में हड़कंप देखा गया। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं, मतलब हम इनको मेडिकल टीम के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि अगर इनको जो वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है अगर ये इससे दूषित है तो इनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो जाएगा और इनसे अगर नहीं है तो फिर ये क्वारंटीन रहेंगे ताकि फिर जो व्यवस्था चल रही है उसमें हम लोग और किसी संक्रमण को फैलने से बचा सके या इन्हें भी कोई संक्रमण ना हो सके। महोबा में लॉकडाउन के चलते पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार ने सभी चौराहों का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। पुलिसकर्मियों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई किए जाने पर सख्ती दिखाने के लिए भी निर्देशित किया गया। बचाने के लिए आज हम सैनिटाइजर बांट रहे हैं ताकि वो बार बार अपना हाथों को साफ करता रहे, इसके अलावा उनको मास्क बांटे जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि अगर पुलिसकर्मी सुरक्षित है तो हम जो शासन के निर्देशों को बेहतर तरीके से पालन करा पाएंगे और इसीलिए सभी कर्मियों को चाहे बीआरडी का हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे हमारा कॉन्स्टेबल हो, सबको हम मास्क और सैनिटाइजर बांटते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के खाद्यान्न का वितरण शुरू किया गया है और जिसमें सरकार के आदेश अनुसार सभी अंत्योदय कार्ड को राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्ड में मनरेगा श्रमिक एवं श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों को भी उनके कार्ड के 10 यूनिट के मुताबिक प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड को गेहूं एवं चावल 2 एवं 3 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित किया जाएगा। राशन वितरण के दौरान कोरोना वायरस की महामारी से सावधानी बरतते हुए
सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। राशन की दुकानों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है जो अपनी निगरानी में राशन बंटवा रहे हैं। जिले भर में पुलिस प्रशासनिक अफसर इसको लेकर सतर्क हैं। हम दूरी बना के 1.5 मीटर की चल रहे हैं गोला बनवा के, इससे राशन वितरण हो रहा है। लाल कार्ड पे फ्री है, भात की रिश्ते पे 2 रुपया 3 रुपया है, और मनरेगा है, श्रम योजना है, जिससे वो पास है उसको फ्री राशन दिया जा रहा है। हाँ सर, सर्वर की ही दिक्कत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि दोनों काम करने पड़ रहे हैं, सर्वर और मतलब मशीन और मैनुअल दोनों करना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। मैंने कोई पैसा नहीं है। कितना मिला? 35 किलो। क्या? गेहूँ चावल। गेहूँ कितना मिला? गेहूँ मिला 20 किलो, चावल 15 किलो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाराबंकी जिला जेल में बंद 64 कैदियों को पेरोल पर रिहा किया गया है। इनमें 4 महिला कैदी भी शामिल हैं, जबकि 1 कैदी की सजा पूरी हो चुकी है। जेल अधीक्षक का कहना है कि बाराबंकी जेल में स्क्रीनिंग कर कुल 64 कैदियों की रिहाई होनी थी, इनमें 1 की सजा खत्म हो चुकी है जबकि बाकी को पेरोल पर रिहा किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी कैदियों को इससे बचाव के तरीके भी बताए गए हैं और साथ ही इन्हें दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस संबंध में जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने उनको गाड़ियों से, वाहनों से उनके घर तक भिजवाया। मथुरा के चौकी ब्रिज पुलिस रेट के अंतर्गत अवैध मांस की बिक्री कर रहे 4 लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ चौकी ब्रिजपुरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची लेडी डॉक्टर की टीम ने मांस को सैंपलिंग कराकर जांच के लिए मथुरा लैब भेज दिया है। आज यहाँ पे आई है, क्या कर रहे हैं? यहाँ मुझे बिचपुरी चौकी से अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ मांस पकड़ा गया है, जिसकी मैंने अभी सैंपलिंग करवा दी गई है और इसकी फर्दर जांच के लिए से फॉरेंसिक लैब मथुरा में भेज दिया गया सैंपल। कौशाम्बी जिले में करारी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने यह आत्मघाती कदम उठाया। परिवार वालों को इसकी जानकारी सुबह हुई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों ने गांव के ही 2 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। केस दर्ज कर पुलिस दोनों आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। बंद करके अपने को आग लगा ली है। सूचना पर सभी उच्चाधिकारी गण मौके पर आए। एडिशनल साहब भी आए थे, कप्तान साहब भी आए थे, हम लोग भी आए और परिवार वालों ने जो तहरीर दिया उस पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पोस्टमार्टम, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो उधर हमारे गांव के 2 लड़के ने उसे खींच करके बलात्कार किए थे और बलात्कार करने के बाद घर आई, माँ से अपने बताया, फिर उसके बाद वो जो है तो खाया पिया नहीं, सो गई। अब सोने के बाद वो सुबह में जब पानी भरने गई तो उन्होंने फिर छेड़खानी किया तो अपने माँ से उसने आके बताया कि हमको ऐसा ऐसा कहते थे। फिर इधर गांव वालों ने जाके बताया कि वहाँ तुम्हारे घर में आग लग गई। तब उधर से हम भाग कर आए, जब तक आए तो जलकर राख हो गई। बुलेटिन में इतना ही, कब लगातार जारी है।